गुड इवनिंग एवरी वन सो वी विल कंटिन्यू टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड इन दैट वी वे स्टडिंग फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी ठीक है ना सो लास्ट क्लास ये हमारा आंसर कितना आया था डॉलर सेवन ट्रिपल थ्री टू फाइव वन लैक ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनयूटी फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनयूटी यस बेस से ले आओ तो कैलकुलेटर फाइव पॉइंट एट सिक्स 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 ठीक है तो हमारा होमवर्क था कुछ कुछ अस डू दैट इलास्ट्रेशन थर्टी वन Read illustration 31. John deposits money into his saving account at the beginning of each year. Depending on the returns of the business, he deposits 1000 in the first year, 2000 in the second year, and 5000 in the third, 7000 in the fourth. एंड इसमें इंटरेस्ट मिलता है हमको सेवन परसेंट करके व्हाट इज द क्लोजेस्ट वैल्यू मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द एक्यूमुलेटेड मनी सेविंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर फोर राइट सो नाउ हमेशा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जब जब क्वेश्चन आएगा ना हम लोग चार्ट बनाएंगे राइट right? जीरो वन टू थ्री फोर बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर मतलब इन्वेस्टमेंट यहां हुआ है हजार का यूजुअली एन्यूटी दो टाइप का एन्यूटी होता, होता है रेगुलर एन्यूटी एन्यूटी मतलब इक्वल होता है इन्वेस्टमेंट पहला बात तो ये भी फ्यूचर वैल्यू है बट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी नहीं बोल सकते इसको अपन राइट फ्यूचर वैल्यू निकालना है अपन को तो फ्यूचर वैल्यू कहां निकालना है एंड में निकालना है कि थर्ड ईयर के एंड में निकालना है यह भी समझना पड़ेगा अपन को राइट right? हर साल इन्वेस्टमेंट हुआ है कितना कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है हजार फर्स्ट ईयर मतलब वाई जीरो में इन्वेस्टमेंट हुआ है दो हजार सेकेंड ईयर मतलब वाई वन के एंड में हुआ है पांच हजार थर्ड ईयर मतलब वाई टू के एंड में और सात हजार फोर्थ है मतलब वाई थ्री के एंड में राइट right? नॉर्मल अगर एन्यूटी होता तो क्या होता नॉर्मल एन्यूटी होने से एक दो तीन जीरो वन टू थ्री फोर यहां हजार डॉलर यहां दो हजार पांच हजार सॉरी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट होता तो यहां एक यहां दो यहां तीन सॉरी यहां तीन नहीं यहां पांच यहां सात तब तो हमको पूछता फोर्थ ईयर के एंड में कितना एक्यूमुलेटेड बैलेंस होगा फ्यूचर वैल्यू को हम लोग एक्यूमुलेटेड वैल्यू भी बोलते हैं तो हम लोगों को मालूम है इस पे इंटरेस्ट तीन साल का इसपे दो साल का इस पे एक साल का इस पे इंटरेस्ट होगा ही नहीं बट ये क्वेश्चन कुछ और ही है क्वेश्चन में बोला हम हर साल के बिगिनिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर मतलब वाई जीरो में इन्वेस्टमेंट हुआ सेकेंड ईयर मतलब यहां इन्वेस्टमेंट हुआ दो हजार का थर्ड ईयर मतलब पांच हजार का यहां इन्वेस्टमेंट हुआ फोर्थ ईयर मतलब सेवन थाउजेंड का यहां इन्वेस्टमेंट हुआ है. अब हमको ये वाला पूछा ये नहीं पूछा राइट right. तो इस पे इंटरेस्ट तीन साल का इसपे दो साल का इसपे एक साल इस पे जीरो ईयर हमेशा ये टाइमलाइन बनाने से आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा ठीक है हा? तो इसका फ्यूचर वैल्यू कैसे आएगा बोलो एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑब्लिक फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू हजार इंटू वन प्लस आई टू द पावर थ्री होगा अगर फोर्थ ईयर के एंड में पूछता तो पावर फोर हो जाता दो हजार इंटू टू द पावर स्क्वायर पांच हजार इंटू वन प्लस आई टू द पावर वन सात हजार इंटू वन प्लस आई टू द पावर जीरो वन प्लस आई मतलब सेवन परसेंट बोला है कितना बोला है सेवन परसेंट बोला है ना तो वन पॉइंट जीरो सेवन टू द पावर क्यूब प्लस 2000 हजार इंटू वन पॉइंट जीरो सेवन टू द पावर स्क्वायर पांच हजार इंटू वन पॉइंट जीरो सेवन टू द पावर वन इज कुछ नहीं और एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन इसका पावर में वन है और इसका पावर में जीरो है नेक्स्ट स्टेप में दिखा देंगे अब करना है क्या है 1.07 पॉइंट जीरो सेवन इंटू टू करने से दो बार का पावर आ जाएगा वो भी अपन को चाहिए 2000 हजार इंटू वन पॉइंट प्लस हजार इंटू वन पॉइंट जीरो सेवन प्लस सात हजार इंटू वन और पहले वाला के लिए अगेन एक और पावर बढ़ाना तो अगेन इक्वल टू दबाएंगे अब इसमें ना हम लोग एम प्लस यूज कर सकते हैं जो लोगों भी कैलकुलेटर यूज करना आता है वो लोग प्लस कर सकते हैं कैसे करेगा एम प्लस कैलकुलेटर में आप लिखेंगे हजार इंटू वन पॉइंट टू टू फाइव ठीक है इक्वल टू एम प्लस ठीक है मेमोरी में प्लस कर दिया फिर दो हजार इंटू वन पॉइंट वन फोर फोर नाइन इक्वल टू एम प्लस में डाल दो ठीक है पांच हजार इंटू वन पॉइंट जीरो सेवन इक्वल टू अगेन एम प्लस में डाल दो ठीक है सात हजार इंटू वन इक्वल्स टू अगेन एम प्लस में डाल दो हो गया अब एम आर सी दबाओ कितना आ रहा है देखो हम्म 15 865 approx এবারে চেক কর لینا ক্যালকুলেশন ठीक है नेक्स्ट थर्टी टू भी होमवर्क था क्या बहुत सिंपल है 2000 पर ईयर मतलब ये एन्यूटी हो गया <coughs> है 9 परसेंट पर ईयर के हिसाब से फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स व्हाट वुड बी द क्लोजेस्ट वैल्यू अपॉन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट घड़ा यहां बनेगा ना एफ बी ए निकालना है जीरो वन टू थ्री डॉट 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 टू टेन ईयर हर साल दो हजार इन्वेस्ट हो रहे हैं लास्ट में भी दो हजार हो रहा है एफ वी ए क्या होता है ए इंटू वन प्लस आई टू द पावर एन माइनस वन बाई आई ए इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनटी नाइन परसेंट कॉम टेन ईयर इक्वल टू अब ये निकालना है ना फैक्टर कैसे निकालेंगे कैलकुलेटर में अच्छा इसके पहले आपने मेमोरी यूज किया था तो एम आर सी को दो बार बटा दबा के ऑन बटन ऑन कर दीजिए कैलकुलेटर में एम नहीं होना चाहिए एम का साइन नहीं होना चाहिए बैंक ब्लैंक होना चाहिए डिस्प्ले स्क्रीन ठीक है ना तो पहले आपने क्या करेंगे वन प्लस आई का फैक्टर क्या है इंटरेस्ट का फैक्टर क्या है इसको फैक्टर बोलते हैं वन प्लस आई मतलब फैक्टर वन प्लस आई मीन्स वन पॉइंट जीरो नाइन टू द पावर टेन तो क्या करेंगे वन पॉइंट जीरो नाइन इंटू इक्वल टू एन माइनस वन टाइम्स वन पॉइंट जीरो नाइन इंटू दब आया अब इक्वल टू नौ बार एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ तो टू पॉइंट थ्री सिक्स सेवन थ्री जो भी आ रहा है उसे फिर माइनस वन करो इक्वल टू वन पॉइंट थ्री सिक्स सेवन ऐसा कुछ आ रहा है फिर डिवाइड बाय पॉइंट जीरो नाइन डिवाइड बाय आई है ना पॉइंट जीरो नाइन कर दिया तो फिफ्टीन पॉइंट वन नाइन टू नाइन ले लो फिफ्टीन पॉइंट वन नाइन टू नाइन बस इसको मल्टीप्लाई करो फिफ्टीन पॉइंट वन नाइन टू नाइन इंटू दो हजार डॉलर थर्टी थाउजेंड थ्री फाइव पॉइंट जीरो एट पॉइंट एट सॉरी इसका रूल मैं यहां लिख देता हूं टाइप वन पॉइंट जीरो नाइन इन टू इक्वल टू कितनी बार एन माइनस वन टाइम्स माइनस वन डिवाइड बाय पॉइंट जीरो नाइन ठीक है अभी मेरे को आपको एक चीज बताना है इसमें एक होता है रेगुलर एनुटी और एक होता है एनुइटी ड्यू सपोज करिए ये घड़ा है जीरो वन टू थ्री यहाँ मैंने 2000 इन्वेस्ट किया यहाँ 2000 इन्वेस्ट किया यहाँ 2000 इन्वेस्ट किया सो फ्यूचर वेल ऑफ एन्यूटी क्या होता है ए इंटू वन प्लस आई टू द पावर एन माइनस वन बाई आई लेटेस्ट टेक आई इज इक्वल्स टू टेन परसेंट तो क्या होगा 2000 हजार इंटू वन प्लस पॉइंट वन पावर में थ्री माइनस वन बाई पॉइंट वन सॉल्व कैसे करेंगे वन पॉइंट वन हो गया ये वन पॉइंट वन इंटू इक्वल्स टू इक्वल टू वन पॉइंट वन इंटू इक्वल टू दो बार दबाएंगे ना क्योंकि तो पावर में थ्री है फिर माइनस वन करेंगे और डिवाइड बाय पॉइंट वन करेंगे थ्री पॉइंट थ्री वन इंटू दो हजार सिक्स सिक्स टू जीरो न मुद्दा क्या है इस पे इंटरेस्ट दो साल इस पे वन ईयर इस पे जीरो ईयर हाया ना अब एन्यूटी ड्यू क्या होता है ये हो गया कॉपी रेगुलर एन्यूटी है ये जो अपने कर रहे हैं ठीक है अब हम लोग बात करेंगे एनयूटी ड्यू का सपोज करो 2000 हजार यहां दो हजार यहां दो हजार मतलब हर साल के बिगिनिंग में तो अब मेरे को बताना इस पे इंटरेस्ट तीन साल इस पे दो साल इस पे एक साल मतलब जो ऊपर वाला कैलकुलेशन था सब में एक साल का इंटरेस्ट फैक्टर ऐड हो गया तो मैं बोल सकता हूं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनयूटी कौन सा वाला एनयूटी का एनयूटी ड्यू का इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी जो ऑर्डिनरी एन्यूटी है उसको हम वन प्लस आई से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि सभी में एक साल का इंटरेस्ट फैक्टर ज्यादा है तो एक साल का इंटरेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आंसर आया था डॉलर सिक्स सिक्स जीरो इंटू वन पॉइंट वन ऑर्डिनरी एनिटी का ऊपर निकाला ना कितना है

ठीक है अब इसको अगर फॉर्मूला वाइज देखूं मैं और ए इंटू वन प्लस आई टू द पावर एन माइनस वन बाय आई होल इंटू वन प्लस आई एक ही बात है ये हमारा क्या आया वट इज दिस ऑर्डिनरी एन्यूटी का फ्यूचर वैल्यू उसमें वन प्लस आई मल्टीप्लाई किया तो अब हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेशन में इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे करेंगे बहुत सिंपल है दो हजार इंटू वन पॉइंट वन पार में थ्री माइनस वन बाई पॉइंट वन इंटू वन पॉइंट वन तो पहले इसको सॉल्व करके फिर वन पॉइंट वन से मल्टीप्लाई कर दो हाँ हा सो वन पॉइंट वन इंटू इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स दो बार एक बार दो बार माइनस वन डिवाइड बाय पॉइंट वन है ना फिर इंटू वन पॉइंट वन थ्री पॉइंट सिक्स फोर वन देखो आगे यही आंसर आया था हम लोग का ठीक है चलो नेक्स्ट नंबर थर्टी फोर करो वेरी इंपॉर्टेंट पहले देखना एनयूटी है कि नहीं एनयूटी में भी कौन सा एनयूटी है उस हिसाब से फिर करेंगे एन में भी कौन सा एन है उस हिसाब से फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे ठीक है नाउ इसमें मैं तुमको एफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा ठीक है एलटीच्यू एफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट ऑल्सो पहले नॉर्मल सबको पढ़ते हैं कंपनी years to purchase डॉलर delivery ट्रक मतलब हमको चार साल बाद में डिलीवरी ट्रक खरीदना है उसके लिए फंड बनाना है इन्वेस्टमेंट विल बी कंपाउंडेड एनुअल रेट ऑफ ट्वेल्व परसेंट पर एनम न पहला बात अगर आप इन्वेस्टमेंट हर छह महीना में कर रहे तो रेट को छ छ महीना में लाना पड़ेगा पहले साफ समझ में आ रहा है यहां पर एवरी सिक्स मंथ है नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग कितना बार होगा साल में दो बार कंपाउंडिंग द इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल बी मेड नाउ मतलब ये ऑर्डिनरी एन्यूटी है कि एन्यूटी डी आई है एन्यूटी टी डी है, है। देर आफ्टर हर छह महीने का बिगिनिंग में व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू So, कहने का मतलब क्या है कितना इलास्टेशन है थर्टी फोर ठीक है यहां घड़ा बनेगा तो 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 जीरो वन टू थ्री फोर दिस इज पॉइंट फाइव दिस इज वन पॉइंट फाइव दिस इज टू पॉइंट फाइव दिस इज थ्री पॉइंट फाइव ठीक है हर साल के बिगिनिंग में साढ़े तीन हजार डॉलर 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 साढ़े तीन हजार तो साफ समझ में आ रहा है एन्यूटी डी है ये ठीक है तो इसमें अपन को क्या करना है m क्या है हमारा नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग इन अ ईयर वॉट इज एम नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग इन अ यर कितना टू टाइम्स एफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होगा आई बाई एम जीरो सिक्स हाँ एफेक्टिव रेट नहीं बोलेंगे इसको एफेक्टिव आई बोलेंगे वी कॉल इट एज इफेक्टिव आई फेक्टिव एन क्या होगा एन एम है ना चार साल और दो बार करके आठ बार एट टाइम्स फ्यूचर वैल्यू फैन्यूटी क्या होगा बोलिए ए इनटू वन प्लस आई बाई एम पावर में एन एम माइनस वन बाई आई बाई एम इंटू वन प्लस आई बाई एम हाँ है ना सिंपल है कि नहीं है क्लियर है ना बात समझ में आ रही है तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा ए इंटू वन प्लस पॉइंट जीरो सिक्स पावर में एट माइनस वन बाई पॉइंट जीरो सिक्स इंटू वन प्लस पॉइंट जीरो सिक्स बोल सकता हूं ना हाँ या ना अब मैं खाली अगर इसकी बात करूं If i talk about only this तो ये क्या है येलो येलो वाला जो बॉर्डर किया मैंने ये क्या है इसको क्या बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनविटी खाली इसको अपन क्या बोल सकते हैं फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनटी कितना सिक्स परसेंट बोल सकता हूं ना कंपाउंडिंग वाला इफेक्ट देने के बाद दिस इज फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनटी सिक्स परसेंट कॉमाइट ईयर बट अपन इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे हम लोग को आता है हम लोग क्या करेंगे इस पूरे को सॉल्व करेंगे कैसे होगा 1.06 पॉइंट जीरो सिक्स इंटू इक्वल्स टू हाउ मेनी टाइम्स Seven times into equal to seven times one, two, three, four, five, six, seven. Okay, one point five nine three eight are minus one. Hai na. इसको ना रिक्वायर्ड बोल दो रिक्वायर्ड आई डोंट कॉल इट एज एफेक्टिव बिकॉज इसको रिक्वायर्ड आई बोलो दिस इज रिक्वायर्ड एम माइनस वन किया पॉइंट फाइव नाइन थ्री एट आ रहा है फिर डिवाइड बाई पॉइंट जीरो सिक्स नाइन पॉइंट एट नाइन सेवन फोर समथिंग आ रहा है इन टू ये वाला वन पॉइंट जीरो सिक्स टेन पॉइंट फोर नाइन वन थ्री इंटू टेन पॉइंट फोर नाइन वन थ्री कितना रहा है थ्री सिक्स सेवन पॉइंट फाइव फाइव अप्रॉक्स ठीक है फॉर्मूला के हिसाब से आई होगा पॉइंट जीरो सिक्स एन होगा एट क्योंकि कंपाउंडिंग दो बार हो रहा है साल में तो रेट हाफ हो जाएगा और ईयर डबल हो जाएगा राइट नाउ व्हाट इज इफेक्टिव इफेक्टिव क्या होता है साल में दो बार कंपाउंडिंग हो रहा है ना साल में कितनी बार कंपाउंडिंग हो रहा है दो बार तो अपने रेट को आधा कर ले रहे तो होगा क्या सौ पे पहले छह परसेंट एड हुआ एक सौ छह आया फिर एक सौ छह का छह परसेंट कितना होगा 112.36 टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ 12.36 तो हिसाब से इफेक्टिव रेट कितना आएगा 12.36 बाय 100 इनटू 100 दैट इस 12.36 परसेंट एनुअलाइज इफेक्टिव रेट निकाल लो सर बारह परसेंट भी तो एनुअलाइज ही है बट वो कंपाउंडेड सिक्स मंथ वाले का है जो रेट अपन को दिया हुआ है यह भी पराइनम है दिस रेट इज ऑल्सो पराइनम बट दिस इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली है ये तो फॉर्मूला के हिसाब से आई क्या है आई बाई एम तो अपने को क्या निकालना है डैश परसेंटेज पर एनएम कंपाउंडेड एनुअली ट्वेल्व परसेंट एनम सही है मैं ये नहीं बोला कि रेट पर एनम नहीं है बट दिस रेट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली सो वॉट इज रिक्वायर्ड आई पॉइंट जीरो वॉट इज रिक्वायर्ड एन एट ईयर अब मैं इसको अगर कंपाउंडेड एनुअली बना लूँ आई क्या होगा ये वाला एन क्या होगा फोर और इससे और फिर ए क्या हो जाएगा डबल तो अपन को ये चाहिए अब तो कैसे आएगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वन प्लस आई बाई एम बाई एम माइनस वन ये एनुअलाइज आ जाएगा कंपाउंडेड एनुअली वाला राइट हेलो सो यार है क्या 1.06 पावर में स्क्वायर माइनस वन बोलो इंटू इक्वल्स टू माइनस वन जीरो पॉइंट वन टू थ्री सिक्स आ गया ना इंटू हंड्रेड करेंगे तो ट्वेल्व पॉइंट थ्री सिक्स परसेंट जो अपनी किए थे अब ये आने से कंपाउंडिंग इफेक्ट हमने एलिमिनेट कर दिया जाहिर सी बात है छह छह बारह होता है सिंपल इंटरेस्ट में लेकिन कंपाउंडेड में छह छह बारह नहीं होगा ज्यादा होगा बारह से आने वाले छह महीने का ब्याज इस पर कैलकुलेट हो रहा है तो छह छह नहीं हो रहा है छह से ज्यादा हो रहा है तो ये इफेक्टिव रेट निकाल लिया हमने अब ये हमारा आई माना जाएगा ठीक है तो या तो नॉर्मल जो आई दिया हुआ है छह महीना वाला उसको डिवाइड बाय टू करके पीरियड को डबल कर दो या एनुअलाइज निकाल लो पहले एनुअलाइज आ गया ना हम लोग इस एफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को इस वाले फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं राइट नाउ होगा क्या ये जो आई बाई एम हम लोग लेते थे जीरो सिक्स पॉइंट जीरो सिक्स उसके जगह हम लोग लेंगे पॉइंट वन टू थ्री सिक्स और एनएम में जो एट लिया था वो फोर हो जाएगा प्रॉब्लम क्या है ए हमारा डबल हो जाएगा सेवन थाउजेंड बट ये जो आई बाई एम है और ये जो एक्स्ट्रा जो फैक्टर अपने ऐड कर रहे हैं ना इसके लिए थोड़ा एडवांस एप्लीकेशन चाहिए डिस्काउंटिंग फैक्टर का है तो उतना तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा जो लोग करता है उन मैंने बता दिया हाँ, था अगर फ्यूचर वैल्यू का सम आएगा उसमें तो ये डिवीजन वाला फैक्टर होता ही नहीं है सीधा वन प्लस एन तो उसमें आप लेकिन फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी जिस टाइम पीरियड में दिया आप लोग उसी टाइम पीरियड में उसको यूज करेंगे effective वाला में नहीं जाएंगे इज इट फाइन हाँ सो ये इफेक्टिव रेट का इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है राइट right? तो so, जिसमें हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट में सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व होता है बट कंपाउंडेड में सिक्स 6 प्लस 6, नहीं होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी आता है तो ज्यादा आएगा तो में का भी समाता है। में आप से कर सकते हैं बट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुअलाइज कन्वर्ट कर लिए आपका रेट एनुअलाइज हो गया तो आई बाई एम के जगह आप आई यूज कर सकते पॉइंट 0.1236 जो हमारा आया राइट right? एनएम में आप 8 ले सकते हैं 8 के जगह 4 ले सकते हैं तो ये आपका एनुअल हो गया दिस इज एनुअल ये आपने एनुअल निकाल लिया ये भी आपने एनुअल निकाल लिया बट कंपाउंडिंग तो एनुअल नहीं हो रहा है ना वो तो 6-6 महीने पे हो रहा है राइट right? तो इसीलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएगा उसके लिए मेरे को आपको और भी बहुत सारा चीज सिखाना पड़ेगा तो आपके एग्जाम में जो टाइम पीरियड बोलेगा उसी टाइम पीरियड में सम कर देना है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के नहीं करना है हाँ खाली प्लेन सिंपल फ्यूचर वैल्यू का सम आएगा उसमें आप इफेक्टिव बोल के निकालिए चाहे नॉर्मल बोल के निकालिए आंसर सेम आएगा ठीक है so, सो ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग देख लिया चलिए अभी नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है रूल ऑफ सेवेंटी टू इन्वेस्टर हमेशा एक क्वेश्चन पूछेगा मेरा पैसा कितना साल में डबल होगा ये हर लोग पूछेगा ये बात तुमको अगर तुमको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है तो वो लोग तुमको सिंपल सा बात पूछेगा कि कितना साल में हमारा पैसा डबल होगा रूल ऑफ सेवेंटी टू ठीक है तो सिंपल एन इक्वल्स टू सेवेंटी टू डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट रेट दैट इज सेवेंटी टू बाई आई एग्जाम्पल इफ आई इक्वल्स टू एट परसेंट

रूल ऑफ थंब है ये उन बहुत पहले किसी ने रूल निकाला था तो उसके बेसिस पे ये आया है तो तुमको एग्जाम में बोल देगा यूज रूल ऑफ थंब राइट अगर चार परसेंट हुआ तो अठारह साल लगेगा पैसा डबल होने में तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है ये कंपाउंडिंग फैक्टर मैं आपको एक प्रूफ कर दे रहा हूं छोटा सा एग्जाम्पल लेके सपोज करिए पी वन थाउजेंड है एन नाइन इयर्स है आई अगर एट परसेंट है कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू कर सकते हैं ना अपन तो फ्यूचर वैल्यू कैसे आएगा बोलो हम्म हाँ नॉर्मल परपेचुटी थोड़ी है हमने हजार रुपये इन्वेस्ट किया है नौ साल के लिए आठ परसेंट में तो पी इंटू वन प्लस आई टू पावर नाइन हजार इंटू वन प्लस पॉइंट जीरो एट टू द पावर नाइन हजार इंटू वन पॉइंट जीरो एट टू द पावर नाइन कैलकुलेटर में सॉल्व करो वन पॉइंट जीरो एट इंटू इक्वल्स टू मनी टाइम्स एट टाइम्स एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ सॉरी इक्वल टू एट टाइम्स आठ बार होगा ना तो वन पॉइंट नाइन 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 आ रहा है तो ऑलमोस्ट टू आया कंपाउंडिंग फैक्टर तो देखो डबल हो गया ना हजार का पैसा डबल नौ साल में 1.08 वन पॉइंट जीरो एट इंटू एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ वन पॉइंट नाइन 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 ऑलमोस्ट टू इंटू हजार दो हजार रुपये हो गया तो ये रूल ऑफ थंब है अब किसी को पूरा एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो एक रूल ऑफ सिक्सटी नाइन भी है जीरो पॉइंट थ्री फाइव प्लस सिक्सटी नाइन बाई इंटरेस्ट रेट और यहां पे कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड है कंटिन्यूसली कंपाउंडेड का मतलब मालूम है क्या है हर दिन कंपाउंडिंग हो रहा है हर सेकंड में कंपाउंडिंग हो रहा है जैसे इक्विटी स्टॉक में अगर कोई पैसा लगाता है मनी हर पल पैसा कमा रहा है ना राइट right. तो एक बात बताना किसमें पैसा डबल जल्दी होगा ये नॉर्मल कंपाउंडिंग है रूल ऑफ सिक्सटी नाइन में ना तो इफ आई इज एट परसेंट देन एन इजिकल्स टू पहले कंपाउंडिंग हो गया ना क्लियर डन रूल ऑफ सेवेंटी टू समझ में आया हाँ सिंपल इंटरेस्ट में अगर कंपाउंडिंग देखना है तो सीधा हंड्रेड वाई आई करेंगे एसआई में होता है सिंपल इंटरेस्ट के केस में मान लो अगर रेट दस परसेंट है तो दस साल में पैसा डबल होगा हर साल दस 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 करके इंटरेस्ट मिलेगा रेट अगर पांच साल पांच परसेंट है तो, तो बीस साल में कंपाउंडिंग होगा रेट अगर ट्वेंटी परसेंट है तो पैसा पांच साल में डबल होगा हर साल बीस बीस मिलेगा इसमें इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता ही नहीं है रेट अगर आठ परसेंट है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होने से डबल जल्दी होगा इसलिए कंपाउंडिंग में नौ साल में एट पॉइंट नाइन सेवन में डबल हो जा रहा है पैसा क्लियर सो hmm? so, एक नोट हमेशा बना लेना एफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी एम्प्लॉयड ओनली इन फ्यूचर वैल्यू सम्स ये तो दरकार क्या है आई बाई आई में और एनएम कर देना पावर में फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन टी में भी यूज कर सकते हैं बट उसमें आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर सीखना पड़ेगा ओनली जो प्लेन सम होता है ना फ्यूचर वैल्यू वाला सम या खाली प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी वाला सम में नहीं ठीक <coughs> है जो क्वेश्चंस नहीं कराया हुआ है उसको प्रैक्टिस करना है ठीक है बाय